दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर समिता शेट्टी को नेहा भसीन के साथ पंगा लेना काफी भारी पड़ गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो समिता और नेहा की जो इतनी गहरी दोस्ती थी, जो कि बिग बॉस ओटीटी के घर से चली आ रही है, अब वो बिखर चुकी है, यानी कि टूट चुकी है। और दोनों ही कंटेस्टेंट ने एक दूसरे के साथ बातचीत करना भी बंद कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस समय घर के अंदर वीआईपी जोन की मेंबरशिप के लिए टास्क चल रहा है। और इस टास्क के दौरान पहले तो दोस्तों प्रतीक सेजपाल ने नेहा भसीन को सपोर्ट किया था और उनके लिए टास्क के संचालक से भी भिड़ गए थे, जिसके बाद दोस्तों नेहा भसीन ने यह तय कर लिया था कि वो प्रतीक के इस एहसान का बदला वापस चुका देगी, यानी कि वो प्रतीक का एहसास नहीं लेना चाहती और बदले में उसको सपोर्ट कर देगी। और जिसके बाद अगला राउंड जैसे ही शुरू हुआ तो वो प्रतीक को कॉइंस ढूंढने में मदद करने लगी। ये देखकर दोस्तों समिता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको पता है समिता अपने दोस्तों को लेकर कितनी पजेसिव है। और इसी कारण समिता को लगा कि ये तो मुझे छोड़कर प्रतीक को सपोर्ट कर रही है, जिसके कारण दोस्तों जैसे ही राउंड खत्म हुआ तो समिता शेट्टी और नेहा भसीन के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। और समिता ने नेहा को साफ तौर पर कह दिया कि तू फालतू का प्रतीक को सपोर्ट क्यों कर रही थी, तेरी दोस्त तो मैं हूँ, तुझे मेरे को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तू उल्टा प्रतीक को जाकर सपोर्ट कर रही है, उसको फेवर कर रही है। ये सुनकर दोस्तों नेहा भी भड़क गई और नेहा ने कहा कि जब संचालक मुझे आउट कर रहे थे उस दौरान तू नहीं बोली थी मेरे बीच में, सिर्फ प्रतीक ही था जो कि मेरे लिए उनसे लड़ रहा था और उनको सुना रहा था, उस टाइम तुम कहाँ पर चली गई थी। ये सुनने के बाद दोस्तों समिता भी काफी भड़क गई थी और इसी बात को लेकर समिता और नेहा के बीच में इतनी जबरदस्त बहस हुई कि नेहा भसीन ने समिता से दूरियां बनाना बेहतर समझा और समिता को चुप करवाते हुए वहां से उठकर चली गई। हालांकि दोस्तों बाद में समिता शेट्टी नेहा भसीन के पीछे पीछे घूमती भी नजर आई थी और उसको मनाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन नेहा ने यह तय कर लिया कि अब वो बात नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी। अब दोनों ही कंटेस्टेंट बिग बॉस के लाइव फीड में एक दूसरे से मुंह फिलाए इधर उधर बैठी हुई है। फिलहाल दोस्तों इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और बिग बॉस से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।